हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग। और ये शिवरात्रि से एक दिन पहले का वीडियो है मेरा। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ खाना, आलू पालक की सब्ज़ी और करेले। तो करेले जो है हम लोग खाएंगे और जो आलू पालक की सब्ज़ी है वो बच्चे खाएंगे, क्योंकि बच्चे आप सबको पता ही करेले नहीं खाते हैं, मोस्टली बच्चे करेले नहीं खाते हैं तो इसलिए। और यहाँ पर जो है मैं करेले फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ में उसका मसाला भी कूट रही हूँ, जिसमें है सौंफ है और जो भी होता है राई है, मसाले होते हैं ना जो अचार का मसाला होता है, वो मैं इसमें डालती हूँ करेले में, जिससे कि करेले कड़वे नहीं लगते हैं। तो आधे तो मेरे फ्राई हो गए हैं करेले और आधे अभी फ्राई हो रहे हैं और दूसरी गैस पर मेरी आलू पालक की सब्ज़ी बन रही है। तो ये सब मैं नाश्ते में बना रही हूँ, जो कि हमारे दोपहर के लंच में भी चलेगा खाना। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मसाले को थोड़ा दरदरा सा कूट लिया है और जो मेरे करेले फ्राई हो रहे हैं तो वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने उसमें फिर थोड़ा सा जो ऑयल था फ्राई करे हुए करेले का, उसी में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रफली करेलों को कट कर लिया था और उसमें फिर थोड़ी सी जो है 3-4 हरी मिर्ची डाल दी थी और थोड़े से मसाले डाल दिए थे, जो रेगुलर मसाले होते हैं वो डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक मिर्ची पाउडर और बस ये सब डाल के और अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर चलाऊंगी और साथ के साथ आलू पालक की सब्ज़ी भी मैं देखती जा रही हूँ। तो वो तो बनने ही वाली थी, बस थोड़ा सा जो है थोड़ी सी देर उसको 1-2 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद फिर वो सब्ज़ी बन जाएगी। आलू पालक की सब्ज़ी काफ़ी जल्दी बन जाती है वैसे। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं इसमें जो करेले हैं वो थोड़ा हल्का सा फ्राई हो गए थे और उसमें मैंने डाल दिए हैं करेले। तो इसमें आपको दो बैंगन भी दिख रहे होंगे, छोटे वाले बैंगन। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सी सब्ज़ी बना रही है। तो ये जो बैंगन है ना वो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ सब्ज़ी में से, क्योंकि अकेले के लिए मैं फिर बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ और बैंगन की सब्ज़ी ये और बच्चे नहीं खाते हैं, तो मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। और मुझे बैंगन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, मतलब छोटे वाले जो बैंगन होते हैं ना उनकी सब्ज़ी, तो मैं ऐसे ही डाल लेती हूँ और फिर अपने लिए बस निकाल लेती हूँ बैंगन को। तो बस यहाँ पर जो है करेले ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और ये आलू पालक की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता लगा रही थी, ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है, तब मेरा भाई आया था तो वो गुंजिया लेकर आया था, तो मैं यहाँ पर जो है उसके लिए ही नाश्ता लगा रही हूँ। और उसको मैंने वीडियो में नहीं लिया क्योंकि उसे अभी थोड़ा सा पसंद नहीं है ना वीडियो में आना। तो बस आप लोग भी खा लीजिए गुंजिया। और यहाँ पर जो है अब नाइट का टाइम हो रहा है, रात का टाइम, तो रात को ही मिल रही हूँ मैं आपको, क्योंकि दिन में ना बच्चों का एग्ज़ाम था तो मैंने उनका एग्ज़ाम वगैरह में लगी हुई थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, इसलिए मैं रात को मिल रही हूँ। तो रात को मैं गाजर लेकर आई थी, उसका मैंने फिर हलवा बनाया क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो इसलिए मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। और ये देखिए दूध उसमें थोड़ा थोड़ा सूख गया है, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। और जब भी कुछ ऐसा त्यौहार होता है ना, तो मैं मुझे कुछ बनाना होता है मैं रात को ही बनाकर तैयारी करके रख देती हूँ, तो इसलिए क्योंकि दिन उस दिन तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा इसीलिए। और इसमें चीनी डाल दी, अब देखिए चीनी दूध सब कुछ सूख गया अच्छे से। और अब इस हलवे को जो है मैं, अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से सब कुछ सूख गया है। और अब इसमें मैं खोया वगैरह मिला दूंगी और आज इसमें मैं काजू बादाम नहीं मिला रही, क्योंकि मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलाऊंगी क्योंकि बच्चे ना मेरे बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसलिए। और मैंने इसमें घी डाल दिया है 1 बड़े चम्मच भर के। तो मैं हलवा बनाती हूँ ना जब भी घी ज़रूर डालती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है हलवे का। और जो खोया मैंने क्रश करके रखा हुआ था कद्दूकस करके, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। अभी इसको कोई नहीं मतलब छुएगा नहीं, क्योंकि कल भगवान जी को भोग लगाना है, उसके बाद इसको कोई खाएगा, बट मैंने रात को बनाकर रख दिया, तो 9 बजे तक मेरा हलवा बन गया था। तो बस अब मैं यहाँ पर जो ये फ्रूट्स लेकर आए थे जब ऑफिस से आए थे ना, तो उधर से फ्रूट्स लेकर आए थे, तो इनको मैं वॉश करके रख रही हूँ ताकि इनका जो पानी वानी है सब सूख जाएगा सुबह तक, और फिर मैं पूजा करने में मेरे को कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मंदिर में लेके जाना है सुबह। तो यहाँ पर ये बेर लेकर आए थे, अंगूर लेकर आए थे और केले लेकर आए थे, तो वो सब मैंने वॉश करके रख दिया है। और ये है पूजा का सामान, तो मैंने उसको यहीं पर रखा हुआ है और पूजा का सामान को धोते नहीं हैं ये वाला सामान, तो इसलिए मैंने इसको अलग से ही रखा हुआ है। ये माता जी का जो श्रृंगार का सामान होता है ये वो है, और मेहंदी है ये तो मैं लगाऊंगी मेहंदी, और ये है हरी चूड़िया जो मैं कल पहनने वाली हूँ, तो इनको मैं कल पहनूंगी, अच्छी लगी मुझे तो मैं ले आई। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सामान सब तैयार करके रख दिया है, और फूल माला है इसमें, पत्थर बेल है और भांग है, जो भी मतलब होता है पूजा का सामान वो ही सब है इसमें। और
ये देखिए मैंने रख दिए हैं सारे फ्रूट वगैरह वॉश करके और पूरा घर समेट दिया है, देख सकते हैं आप। मैंने पूरा जो है घर कारपेट वगैरह भी यहाँ तक कि मैंने इकट्ठे करके रख दिए हैं ताकि मुझे सुबह जो है जल्दी जल्दी मैं झाड़ू वगैरह मोपिंग करके अपना जो है मंदिर में जा सकूं। और ये देखिए बच्चे सो गए हैं, दोनों रूम की जो है लाइट सब बंद है। और ये मैं लगा रही हूँ रात को मेहंदी, तो ये देखिए मैंने खुद ही लगाई जैसी भी मुझे आती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना, तो इसलिए मैंने एक हाथ पर ही लगा पाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेहंदी ना वैसे ऑलमोस्ट सूखने ही वाली थी, तो मैं इसको धो लूँगी क्योंकि ज़्यादा देर ना मुझसे वैसे रखी नहीं जाती है और थोड़ी देर में 1-2 घंटे में मैं इसको वॉश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो है रात का टाइम हो रहा है और इसलिए मैं आप लोगों से धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग जो है सोने की तैयारी में हैं। और बस इस रूम की मैंने जो है लाइट ऑन करी हुई है और बाकी सारी लाइट बंद कर दी। अभी मैंने आपको दिखाया भी था वीडियो में और घर को पूरा समेट के वैसे मैं रात को पूजा वगैरह करनी है। पूजा वैसे घर में तो रोज ही होती है लेकिन कल मंदिर जाना है, तो कल है शिवरात्रि। और अभी जो है बस मैंने फ्रूट्स वगैरह धो के रख दिए हैं सारे और सामान ले आई थी पूजा का तो वो भी रख दिया है ताकि सुबह मतलब जल्दी से हो जाए सारे काम क्योंकि फिर इनका लंच बनाना है, बच्चों को नाश्ता देना। और मैंने मेहंदी भी लगा ली है, तो ये देखिए मैंने धो भी ली और सिर्फ 1-2 घंटा ही रखी है। मैंने खाना वाना बनाकर लगाई थी मैंने मेहंदी ना, तो फिर 1-2 घंटा ही लगाई। 9 बजे से मैंने 11 बजे तक लगाई है और उसके बाद फिर मैंने धो दिए क्योंकि फिर ना मतलब मुझे नींद नहीं आती ऐसे मेहंदी लगाकर। और खुद ही लगाई जैसी भी मुझे आती है मैंने खुद ही लगाई है, तो कैसी लग रही है आप लोगों को बताना मेरी मेहंदी। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। शादी से पहले तो मैं बहुत ही मतलब जब भी मम्मी मेहंदी लगाती थी तब लगता है मेहंदी लगाना। अभी तो क्या है कि बच्चों को संभालना, घर संभालना, तो अभी इतना वो नहीं रहा है जितना पहले था मुझे मेहंदी लगाने का ना। लेकिन अभी भी मैं कोई मौका नहीं छोड़ती मेहंदी लगाने का क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। और नेल पेंट भी लगा लिया है मैंने, तो बस मैं सोच रही थी आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी वीडियो बनाने का क्योंकि पहले उनकी पेपर की तैयारी करवानी है, फिर उनका एग्ज़ाम भी करवाना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, तो नहीं मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे बिल्कुल भी वीडियो के लिए, इसलिए मैं रोज़ व्लॉग नहीं डाल पाती। और ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, ये शिवानी ने बनाया है, ये देखिए ये शिवानी ने बनाया है फ्लावर ना, ये उसने मेरे लिए वैलेंटाइन डे पे बनाया था और इसके अंदर 2 चॉकलेट भी रखी हुई थी इसने, तो बहुत सुंदर फूल है ये देखो, और पीछे हार्ट बना हुआ है इसमें, ये देखिए ये बनाना है, देखिए फूल कितना सुंदर लग रहा है और कितने मतलब क्लियरिटी से बनाया उसने, कितना क्लियर बनाया है, सफाई से बनाया बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये फूल ना। और मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है, तो बस अब जो है मैं भी सो जाऊंगी क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और टाइम से उठना है, तो बस फिर कर देती हूँ यहीं पे इस वीडियो का एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।